भारतीय जनता पार्टी के बहुप्रतिभावान राजनीतिज्ञ अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया। महानगर में बड़ी धूमधाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उनके चित्र पर फूल मालाएं पहनाकर सभी ने उनकी दीर्घायु होने की कामना की और सभी जगह आतिशबाजी छोड़ी गई। ढोल की थाप पर सभी ने डांस किया और लोगों को मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। गंज गुरहट्टी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में वार्ड 42 के पार्षद दिनकर गोयल के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद अग्रवाल महापौर रहे। विनोद अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी और पिता का नाम कृष्णा बिहारी वाजपेयी था। वो 7 भाई बहन थे। उनके पिता स्कूल में टीचर थे। अटल जी ने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। लगभग 50 वर्ष तक सक्रिय राजनीति में रहे। अपने राजनीतिक जीवन में अटल जी सबसे आशीर्वादी और प्रशंसनीय राजनेता रहे हैं। अटल जी का नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री बने। वो इकलौते राजनेता है जो 4 अलग प्रदेशों से सांसद रहे। अटल जी भारत की आजादी से पहले ही राजनीति में आ गए थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अतुल्य प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल यातनाएं भी सहन की थी। परम पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में नमन और वंदन करता हूं। साथ ही उनके 93वें जन्म दिवस के अवसर पर समस्त भारतीय जनता पार्टी और समस्त अपने कार्यकर्ता, असंख्य कार्यकर्ता बंधुओं को, पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और वो खूब दीर्घायु हो, शतक वीर बने। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी इतनी आयु हो कि हमें जो 21वीं सदी में जो भारत को ले जाने का आपका सपना था वो पूरा हो सके। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भारत को, एक हिंदुत्व को एक राह दिखाई और जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक अपने आप में मिसाल कायम की राजनीतिक जीवन में, ऐसे हमारे भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक बार पुनः नमन और वंदन। उनका जो कहना था कि छोटे मन से राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमेशा बड़े मन से राजनीति करोगे तो कामयाब होगे, परंतु आज की तारीख में जो देखा जा रहा है, एक हैरान हुआ है पार्टी पे के जो उन्होंने एक सपना दिखाया था कि बड़े मन से राजनीति करो, लाइन को बड़ी करो, पर जो लाइन मिटाने में लगे हुए हैं, जो छोटे मन से आज भी राजनीति कर रहे हैं, इसी कारण से वो लोग छोटे मन के कारण छोटे रह गए। आज गुजरात चुनाव इस बात का एक संकल्प, एक द्योतक है कि 22 वर्षों की मोदी जी ने वहाँ विकास की यात्रा की, गुजरात को एक नई दिशा दी। सौभाग्य से मुझे भी इस चुनाव में जाने का मौका मिला। मैंने वहाँ पर देखा कि विकास लोगों ने एक तरफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, और जाति आधारित विद्वेष की भावना को लेके उन्होंने राजनीति शुरू की, परंतु अंत में विकास की जीत हुई। क्योंकि जब तक आदमी बड़े मन से जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति नहीं करेगा, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता, पार्टी का कल्याण नहीं हो सकता। तो आप दुर्गा जी, आज आपकी तरफ से क्या कार्य किया है? आज मेरे वार्ड 42 में मेरे जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं और मेरे बुजुर्ग हैं, सबने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी का 93वां जन्मदिवस मनाया है। इसमें हमने लड्डू उन्हें अर्पित करे हैं और सबों ने उनके ऊपर शुभकामनाएं दी हैं कि इनकी दीर्घायु बने।